जोमीलैंड पार्ट टू। 6.7 आईएमडीबी रेटिंग वाली ये फिल्म, जिसका नाम है जोमीलैंड, 1 घंटा 39 मिनट रनिंग टाइम की हॉरर एक्शन फिल्म आई थी 2019 में, यानी पहले पार्ट के पूरे 10 साल बाद। इस फिल्म को भी उन्हीं ने डायरेक्ट किया है जिन्होंने पार्ट वन किया था, यानी कि रूबेन फ्लाइशर ने। तो चलिए भाग टू के फिल्म स्पष्टीकरण पर चलते हैं। वही पात्र यहाँ दिखाए गए हैं जिन्हें भाग वन में दिखाया गया था। अब ये जोम्बी से लड़ने में सफल हो गए थे। यहाँ यह भी ज्ञात है कि जोम्बी भी विभिन्न श्रेणियों के थे। पहली श्रेणी का नाम होमर्स है। वो बहुत ज़्यादा मूर्ख थे और उनको मारना बहुत आसान था। दूसरी श्रेणी में हॉकिंग्स शामिल थे, जो सबसे चतुर थे। इसे इस दृश्य से जाना जा सकता है जिसमें जोम्बी उसे शिकार बनाने के लिए इंसान की आंख निकाल लेता है और वह सुरक्षा प्रणाली को तेजी से अनलॉक करता है। यह अपने शिकार को जाने नहीं देती है। और सबसे खतरनाक श्रेणी में निंजा जोम्बी शामिल थे। वे लोगों को चुपचाप मारते थे और लोग उनके आने का पता नहीं लगा पाए। अब सभी प्रमुख पात्रों को जोम्बीज से लड़ते हुए दिखाया गया है। जब उनके पास जोम्बीज का सामना करने के कई तरीके थे, वे बंदूकों से फायर करते हुए या तलवारों से हमला करते हुए सभी जोम्बी को वही खत्म कर देते हैं। बाद में उन्हें व्हाइट हाउस में एक आरामदायक जीवन जीते हुए दिखाया गया है। हर नई सुबह उन्हें क्रिसमस की सुबह की तरह लगती थी, लेकिन रॉक इस घर और इस जीवन से संतुष्ट नहीं थी। वह अपने उम्र के साथियों जैसे लोगों के साथ जीवन जीना चाहती थी। अब कोलंबस और विजेता इसके साथ दृश्य पर आते हैं। विजेता कोलंबस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है जब वह उसे प्रस्तावित करता है। अगली सुबह यह देखा जाता है कि रॉक और विजेता उनसे दूर चले जाते हैं। उन्हें छोड़कर एक महीना बीत गया और कोलंबस उदास था। अब कोलंबस और तल्लाहसी शॉपिंग सेंटर में है, जहां तल्लाहसी एक अनोखे तरीके से उसके सामने जोम्बीज को ख़त्म करता है। और यहां पता चलता है कि तल्लाहसी ने जोम्बी किलर ऑफ द वीक के कई पुरस्कार जीते थे, लेकिन वह इससे तंग आ चुके हैं और इसलिए उन्हें जोम्बी किलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार चाहिए। और कोलंबस मेडिसिन नाम के शॉपिंग सेंटर में एक लड़की से मिलता है। कोलंबस उस लड़की को अपने साथ व्हाइट हाउस में ले जाता है, लेकिन तल्लाहसी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता। और उसी दृश्य में दिखाई देता है कि वे घर से कुछ आवाज़ें सुन रहे थे। आवाज़ सुनकर वे अपने शस्त्र कक्ष में प्रवेश करते हैं। वे वहाँ विजेता को पाते हैं और वे उसे देखकर चकित रह जाते हैं। वह उन्हें बताती है कि रॉक किसी के साथ ग्रेस लैंड गई है, और वह यह भी बताती है कि उसे बाहर एक अजीबोगरीब जोम्बी का सामना करना पड़ रहा है। वह बहुत ख़तरनाक है और उनकी नामित श्रेणियों में शामिल नहीं है। इसका सामना करने के लिए उसे कुछ हथियारों की ज़रूरत थी और इसलिए वह उन्हें लेने के लिए यहाँ आई। विजेता उन हथियारों का उपयोग करके अपने बहन रॉक की रक्षा करना चाहती थी। विजेता उसे छोड़ने के कारण कोलंबस से माफ़ी भी मांग रही थी। और इसी बीच मेडिसन वहाँ आ जाती है और विजेता चौंक जाती है और वह उसे देखती है। विजेता उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और वह उस जगह को छोड़ देती है। और अगली सुबह यह देखा जाता है कि वे सभी मेडिसिन के साथ उसकी रक्षा के लिए रॉक की खोज करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जोम्बी उन पर हमला कर देती है और कोलंबस चतुराई से बस पर चढ़ जाता है, और वह तल्लाहसी और विजेता को दूर से आने वाली जोम्बी की दिशा के बारे में बताना शुरू कर देता है, ताकि वे उस दिशा में अपनी बंदूक चला सकें। वे उस तरफ अपनी बंदूक से फायर करते हुए जोम्बी को मार देते हैं और एक निंजा जोम्बी यहाँ मेडिसिन पर हमला करता है। कोलंबस बस के ऊपर से जोम्बी को देखता है और वह एक ही बार में बंदूक से फायर करते हुए इसे ख़त्म कर देता है और सभी जोम्बी यहाँ समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बाद में आने वाली जोम्बी बहुत खतरनाक होती है। कई बार तोप से फायर करने के बाद भी यह शायद ही मरता है। तल्लाहसी ने उन सुपर जोम्बी को T-800 नाम दिया है, क्योंकि वे शायद ही मरे थे। इसके बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, जहां मेडिसिन में कुछ अजीबोगरीब लक्षण देखने को मिलते हैं। एक पागल जोम्बी ने उस पर हमला किया, इसलिए वे मेडिसिन की कार से उतर जाते हैं और कोलंबस उस पर अपनी बंदूक चला देता है, और अंत में वो ग्रेसलैंड तक पहुँचते हैं। इसके बाद यह एक सुनसान जगह है। वे चिंताजनक स्थिति में आगे बढ़ते हैं। उन्हें रॉक की एक कार भी दिखाई देती है और इसे एक होटल के सामने खड़ा किया होता है। होटल में प्रवेश करते ही एक लड़की उन्हें बताती है कि रॉक एक लड़की के साथ इस जगह को छोड़ देती है। इस लड़की का नाम नेवादा है। वे इस होटल में एक रात रुकते हैं, जहां तल्लाहसी और नेवादा एक दूसरे के साथ अटैच होने लगते हैं और शोर सुनकर उनकी अगली सुबह आती है।
जहां किसी ने उनके कार पर ट्रक चढ़ा रखा था। वे निवादा के दोस्त थे और जो तल्लाहसी और कोलंबस से बहुत मिलते जुलते थे, यहां तक कि उनकी हरकतें और आदतें भी एक जैसी ही थी। यह सब बहुत ही आश्चर्यजनक था और अब सभी एक होटल में बैठकर आनंद ले रहे थे। अचानक वहां ज़ोंबी आ जाते हैं और निवादा के दोस्त उनका अकेले सामना करते हैं। जब वे उनसे लड़कर अंदर आते हैं तब निवादा उनके एक हाथ पर काटने के निशान को देखती है। पहली नज़र में वे सुपर ज़ोंबी में तब्दील हो जाते हैं और उनको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तल्लाहसी और कोलंबस उन्हें हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे और लड़कियां भी इसके साथ उनकी सहायता कर रही थी। अब अंत में तल्लाहसी एक बहुत बड़ी मूर्ति से ज़ोंबी को मारता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जबकि निवादा अन्य लड़के को गोली चलाकर मार देती है। तल्लाहसी को ये सब करके बहुत शानदार लगता है। वह सोचता है कि उसे इस पर ज़ोंबी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाना चाहिए। कोलंबस इस पर तल्लाहसी से कहता है, आप इसके लिए अभी भी पीछे हैं। वह आदमी इटली का था जो ज़ोंबी किलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुतले के माध्यम से ज़ोंबी का ध्यान भटकाया और फिर उन पर एक विशाल इमारत गिरा देते हैं। इस तरह तल्लाहसी के लिए अभी भी और संघर्ष की आवश्यकता थी। इसके बाद वे तीनों बेबीलोन की ओर बढ़ते हैं, जहां रॉक की उम्मीद की जा सकती है। उन्हें रास्ते में आइसक्रीम ट्रक में मेडिसिन दिखाई देती है। उसे देखकर वह चकित रह जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मेडिसिन ज़ोंबी से संक्रमित नहीं थी, लेकिन उसे अखरोट से एलर्जी थी। उसे कोलंबस ने गोली नहीं मारी थी और ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन विजेता भी थोड़ा चिंतित हो जाती है। अंत में वे बेबीलोन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अपने हथियार बाहर छोड़कर वहां पहुंचना पड़ता है क्योंकि यह एक शांतिपूर्ण क्षेत्र था। रॉक यहां प्रसन्न है। तल्लाहसी उसे अपनी बेटियों की तरह प्यार करता था। वह अब सोचता था कि उसे खुश देखकर ही वह अपनी दूसरी मंजिल खोज ले। यह निर्णय लेते हुए वह वहां से बिना किसी को बताए चले जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हुए वह ज़ोंबी को बेबीलोन में आते हुए देखते हैं। वह तुरंत अपनी कार घुमाते हुए बेबीलोन जाता है क्योंकि प्रकाश और बजने वाला संगीत उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तल्लाहसी वापस लौटते हुए सभी को बताता है कि वहाँ कई ज़ोंबी हमला करने जा रहे हैं, उनके पास वहाँ कोई हथियार नहीं है। तो तल्लाहसी एक योजना बनाता है जिसके पास कोई हथियार नहीं है, बिना हथियार वाला प्लान। यहाँ बैरिकेड्स के जरिए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए तल्लाहसी को दिखाया गया है, इसलिए वह डीजल ईंधन की मदद से विस्फोटक बनाता है। वह इसके साथ आसपास के इलाकों में बैरिकेड्स भी फैला रहे हैं। ज़ोंबीज़ के वहाँ पहुँचते ही वे बायोडीजल में विस्फोट कर देते हैं और बड़ी संख्या में सुपर ज़ोंबी थे और विस्फोट ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। वे चारों लगातार ज़ोंबी का सामना कर रहे थे, लेकिन ज़ोंबी बड़ी संख्या में थे जबकि वे कुछ ही संख्या में थे। अचानक निवादा वहां पहुंच जाती है और वह ज़ोंबीज़ को और भी आश्चर्यजनक तरीके से मार देती है और वह उन चारों को बचाते हुए उन पर अपना मॉन्स्टर ट्रक चलाती है। दुर्भाग्य से मॉन्स्टर ट्रक उल्टा हो गया है और उन्हें उतारना पड़ा। तल्लाहसी ऊपर की ओर बढ़ने के बारे में सोचता है जहां अन्य लोग मौजूद थे। तल्लाहसी ऊपर की ओर बढ़ते हुए ज़ोंबी के रास्ते में सभी छोटी और बड़ी चीज़ों को फैलाता है, इसलिए जो लोग ऊपर जा रहे हैं उन्हें अभी थोड़ा समय मिल सकता है। अंत में तल्लाहसी की सराहनीय योजना देखी जाती है। वहां जाकर सभी लोग बैरिकेड्स पकड़े कतार में खड़े हैं और तल्लाहसी खुद ज़ोंबी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इमारत के ऊपर से कूद जाता है और वह वहां एक क्रेन के हुक के साथ झूलता है और सभी ज़ोंबी ऊपर की इमारत से गिरने लगते हैं, लेकिन बचे हुए दो ज़ोंबी यहाँ तल्लाहसी को पकड़ते हैं। रॉक दोनों ज़ोंबी को तल्लाहसी द्वारा दी गई एक ही बंदूक से मारती है। असल बात यह थी कि तल्लाहसी द्वारा दिए गए बंदूक रॉक के लिए सबसे प्यारी थी, इसलिए उसने उसे छिपा दिया। फिर आखिरी ज़ोंबी होमर दिखाई देता है जो इमारत के ऊपर से ही गिरकर मर जाता है। इस फिल्म के आखिरी दृश्य में देखा गया है कि विजेता कोलंबस के प्रस्ताव को स्वीकार करती है और तल्लाहसी और निवादा भी यहाँ एकजुट हैं। कोलंबस अंत में व्यक्त करता है, मैं इस सबसे सीखता हूँ कि हमें घर नहीं जबकि रहने के लिए एक परिवार की आवश्यकता है और मैं गलत था जो एक घर ढूंढता रहा। और इसी के साथ फिल्म का सीन समाप्त हो जाता है। फिल्म में मुख्य भूमिका में वही किरदार हैं जो पहले वाले भाग में थे, यानी जैसे इज़नबर्ग, एमा स्टोन और वुडी हैरिसन। और इसके अलावा कुछ और भी मुख्य किरदार हैं जिन्हें प्ले किया है, एबिगेल ब्रेसलिन, रोजेरियो डॉसन, ज़ोई ड्यूच, ल्यूक विल्सन और एवान ज़ोगिया ने।
फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 122.8 मिलियन डॉलर।